हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट फैक्ट्स में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गीजा के पिरामिड से जुड़ी बहुत ही अद्भुत जानकारियाँ कि 4,500 साल पहले इतने अद्भुत और अकल्पनीय स्ट्रक्चर का निर्माण बिना किसी मशीनरी के किया गया। दोस्तों, अरबी की एक पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। तभी तो हजारों साल की आंधी तूफान और भूकंप भी पिरामिड का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के 7 अजूबों में सिर्फ एक गीजा का पिरामिड ही बचा है? बाकी के 6 प्राचीन अजूबे वक्त की मार में कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। जब भी हमें अपनी आधुनिक तकनीक पर घमंड हो तो हमें वक्त में एक बार पीछे मुड़कर गीजा के इस महान पिरामिड को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा रानी की डेड बॉडी को मम्मीफिकेशन के जरिए संभाल के रखने के लिए इन पिरामिड को बनाया गया था, क्योंकि प्राचीन काल के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी एक दुनिया है, इसलिए मृत शरीर के साथ उनकी जरूरत का सारा सामान भी दफनाया जाता था। दोस्तों, पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है। गीजा का ये महान पिरामिड 13 एकड़ के एरिए में बनाया गया है, जिसमें 23 लाख से ज्यादा विशाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इन पत्थरों का वजन 2000 किलो से लेकर 80,000 किलो तक है। माना जाता है इस पिरामिड को बनाने में 20 साल का समय लगा था और इसमें लगाए गए पत्थर 50 मील दूर से काट कर लाए गए थे। एक अनुमान के अनुसार 20 से 30 हजार वर्कर ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया था। अगर इस हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो एक पत्थर को काट के उसे ट्रांसपोर्ट करके अपनी जगह लगाने के लिए मजदूरों के पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त रहा होगा, जो कि नामुमकिन है। दूसरी बात यह कि उस समय पहियों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यही कुछ वजह है जो पिरामिड को हमेशा रहस्यमय बनाती है। दोस्तों, पिरामिड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात तुरंत समझ आ जाएगी कि पिरामिड को किसी इंसान के रहने के लिए नहीं बनाया गया। उस वक्त जो लोग गरीब होते थे उनके लिए छोटे छोटे पिरामिड या फिर मकबरे बना दिए जाते थे, लेकिन जो लोग अमीर होते थे, जिनका रुतबा बहुत बड़ा होता था, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था। और उन्हीं स्ट्रक्चर में से एक है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे उस वक्त वहाँ के राजा के लिए तैयार करवाया गया था। लेकिन वो स्ट्रक्चर सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, उस वक्त पिरामिड को ऐसी तकनीक के साथ बनाया गया जो भारी गर्मी के साथ भूकंप को भी झेल सकता है। इतिहासकारों का मानना है कि गीजा का पिरामिड उस वक्त के राजा और रानी की कब्र है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आज तक उन पिरामिड और उसके आसपास की गुफाओं में से एक भी मम्मी हासिल नहीं हुआ। पिरामिड के अंदर जितने भी टनल या टोम में रिसर्चर ने स्टडी की, उनमें से आज तक एक भी टनल या टोम में ऐसा नहीं था जिसके अंदर मम्मी जैसी कोई चीज मिली हो। जिस चेंबर को उस वक्त की रानी की कब्र माना जाता था, उसमें से ना तो रानी की मम्मी मिली और जिस चेंबर को आज तक राजा की कब्र समझा जाता था, उसमें से राजा की मम्मी भी नहीं निकली। वहां मौजूद सारे टनल और टोम पूरी तरह खाली थे और यही रीजन है कि रिसर्चर धीरे धीरे ये मानने लगे हैं कि पिरामिड का कब्र से कोई लेना देना नहीं है। सो गाइस, पिरामिड को लेकर आपका क्या मानना है? ये प्राचीन काल की कला का एक अद्भुत नमूना है या राजा रानी का मकबरा? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।